अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बीबी फोर्थ है बेटा। बेटा आज हमारा है लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 है ये हमारा। और लेक्चर नंबर 18, 19 और 20 में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, यानी कि जो आपके एंड ऑफ द सब्जेक्ट के जो लास्ट वाले टॉपिक्स चल रहे हैं, जिनको हमने इन तीन एंड वाले लेक्चर्स में मुकम्मल करना है बेटा, उसमें आपका लीडरशिप अप्रोचेस है, ठीक है, एंड देन ट्रेड थ्योरीज है आपका, बिहेवियरल थ्योरीज हैं, निगोसिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर है, ठीक है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज आपकी ये लीडरशिप अप्रोच और ट्रेड थ्योरीज जो हैं ये मुकम्मल हो जाएं, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 19 में हम बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ेंगे और निगोसिएशन एंड कन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, और लास्ट में जो लेक्चर नंबर 20 रह जाएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। हाँ, आपके जो रिमेनिंग लेक्चर्स थे, मेरे पास जो लिस्ट है लेक्चर्स टू बी डिलीवर्ड, ये देखें बेटा, आपके बीबीए फोर्थ का लेक्चर नंबर 18, 19 और 20 रहता है, ठीक है। 18 मैं अब डिलीवर करने लगी हूँ, 19 और 20 इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद जो हैं ये आपके हो जाएंगे, एंड आई होप सो कि आपको ये समझ आएगी ये सब चीज़ों की और अच्छे से आपका जो है चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लीडरशिप के बारे में और उसकी अप्रोचेस के बारे में, ठीक है। टीम बिल्डिंग आपका टॉपिक नहीं है, आपने लीडरशिप पढ़ना है और इसकी अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो बेटा ये वेरी इजी ये नोट्स हैं आपकी, इनको मैं रीड करती चली जाऊंगी, जहां पे मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट है उसको डिलीवर करना है वहां पे मैं आपको डिलीवर भी करूंगी, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से जो है ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और कहीं भी अगर कोई भी क्यूरी आपको लगे तो वो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप को हमारे स्कॉलर्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ये बेसिकली 5 से 6 अमेरिकन ऑथर्स की ये बुक है और उसमें से मैंने जो है ये आपके नोट्स कॉपी करवाए हैं। तो वो 5 से 6 ऑथर्स जो हैं वो कुछ यूके के हैं, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, और उन्होंने मिलकर एक बहुत अथेंटिक सी बुक बनाई है, तो दैट्स वाई जो है ये मुझे बेटर लगा इसको जो है वो यहीं से पढ़ाना, सो इट्स वेरी गुड मटीरियल एज वेल। अच्छा बेटा, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड लीडर्स, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हम किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऐसी चीज़ की बात नहीं कर सकते जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि ये एक क्वालिटी है, क्वालिटी नज़र नहीं आती लेकिन बस यानी कि यू कैन नॉट, दैट इज़ नॉट द टेंजिबल थिंग, बट दैट इज़ एन इंटेंजिबल थिंग विच यू कैन जस्ट सी बट यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट जस्ट, यू कैन फील दैट कि समवन हैज़ दिस पर्टिकुलर क्वालिटी। सो लीडरशिप इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी। सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द लीडरशिप दैट कम्स इन द माइंड इज़ अबाउट द क्वालिटीज़, वट मेक्स देम सक्सेसफुल, लीडर्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है। थिंक ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम्स, वट मेड देम स्टैंड आउट फ्राम अदर्स, अगर आप पिछले लीडर्स को देखें तो ऐसा क्या था उनमें जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग रखा। वी मे थिंक ऑफ द एडजेक्टिव सच एज द हीरोइक, क्रिस्टमेटिक एंड द स्ट्रेटेजिक। अच्छा बेटा, ये एडजेक्टिव आपको पता है इंग्लिश ग्रामर की टर्म है, और एडजेक्टिव जो है वो ग्रामर में उस वर्ड को कहते हैं जो आपके सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्वालिटी को बताता है। अब जैसे हमारे इस पूरे टॉपिक में सब्जेक्ट क्या है, लीडर्स, हम लीडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उनमें मौजूद लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे सब एडजेक्टिव का वर्ड यूज़ किया गया है। और एडजेक्टिव की जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो हीरोइक क्वालिटी की दी गई है, क्रिस्मेटिक क्वालिटी की दी गई है और स्ट्रेटेजिक क्वालिटी की दी गई है, ठीक है। दीज आल आर लीडरशिप क्वालिटीज़, बट वट रियली मेक्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड द सक्सेसफुल लीडर्स, लेकिन फिर भी ऐसा एक्चुअली क्या है
जो एक लीडर में होता है। सो बेटा द सक्सेसफुल लीडर्स आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर, ये इस एक सेंटेंस में आप पूरे लीडरशिप को या लीडरशिप की क्वालिटी को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लीडर वो होता है जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता है, दूसरे लोगों के वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना जानता है, दूसरे लोगों के माइंड को बदल के डिसीजन लेना जानता है, दूसरे लोगों को साथ लेके चल के कोई एक प्रोजेक्ट को एक गोल को अचीव करना जानता है, उसको हम कहते हैं कि ये एक लीडर है। ठीक है, लीडर कभी भी जो है वो अपना काम सिर्फ खुद से अपने इंडिपेंडेंट बेसिस पे नहीं करता। एक लीडर की क्वालिटी ही ये है कि उसने अपने साथ बाकी लोगों के काम को भी मिला के उसने कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, उसको हम कहते हैं कि ये लीडरशिप है। दे यूज़ देयर इनेट क्वालिटीज़ टू इंस्पायर अ वर्क प्लेस, वो अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं वर्क प्लेस, अ टीम और अ नेशन टू अचीव गोल्स। लीडर्स कैन सी बियॉन्ड themselves एंड बियॉन्ड द टास्क एट hand टू लुक एट अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स by यूटिलाइजिंग देयर strengths कम्बाइंड विद द strengths ऑफ द अदर्स। बेटा वही बात जो मैंने आपको कही कि लीडर जो हैं वो अपनी strength को कम्बाइन करते हैं विद द strength ऑफ द अदर, और लीडर जो हैं वो बहुत बियॉन्ड देखते हैं, दूर की देखते हैं, और ना सिर्फ वो अपने व्यूज़ में अपनी फोरसाइट में दूर की सोचते हैं, बल्कि वो अपने काम में जो उनके ज़िम्मे होता है वो भी उसको जस्ट फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड नहीं करते, उसको भी जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये सब लोग सोचते हैं। ठीक है, सो द इफेक्टिव लीडर्स आर एबल टू मैनेज द रिलेशनशिप्स विद द अदर्स एंड क्रिएट द पॉजिटिव आउटकम्स, डेफिनेटली। अच्छा बेटा, इसमें आपको एक लीडर की एग्जांपल दी गई है जो कि विंस्टन चर्चिल की एग्जांपल है, जो कि एक पॉलिटिशियन था, और उसकी एग्जांपल आप बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं जिस तरह से हमारे इलामा इकबाल थे, यानी कि वो पॉलिटिशियन था और जब वो स्पीचेस देता था उसके वो जो वर्ड्स यूज़ करता था अपनी स्पीचेस में वो इतने ज़्यादा इंस्पायरिंग होते थे कि वो अपनी आवाम को अपने साथ लेके चलता था। इवन अगर उसकी आवाम के ओपिनियंस, उनकी सोच, उनकी जहनीत उससे डिफरेंट भी होती थी ना, तो वो उनको इन्फ्लुएंस करना जानता था, और नो डाउट कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ आया था, और डेमोक्रेसी हमेशा ये कहती है कि यू शुड नॉट वॉक अलोन, आपको अकेले नहीं चलना चाहिए, आपको पूरे के पूरे पीछे नेशन को या ग्रुप ऑफ टीम जिनको आप लीड कर रहे हैं आप उनको साथ लेके चलना चाहिए। तो चूंकि इसको क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन फिर भी ही प्रूव्ड कि ही कैन कंडक्ट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, और उसने वो जो है वो की भी। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये विंस्टन चर्चिल की यहाँ पे एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई है, और इस एग्जांपल को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर ये कहीं आपके फाइनल एग्जाम में आपको डेफिनेशन आ जाती है लीडरशिप की, ये लीडरशिप की अप्रोचेज आ जाती हैं, तो देयर यू कैन पुट द एग्जाम्पल ऑफ द विंस्टन चर्चिल, ठीक है, और उसमें जो बेसिक आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स को बहुत बड़ा आपने पूरा पैराग्राफ तो जाहिर सी बातें नहीं लिखा जाता पेपर में, लेकिन एनी हाउ जो आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है वो इसके वर्ड्स ऑफ माउथ हैं कि इसके वर्ड्स बहुत स्ट्रेंथिंग थे, इसकी डेमोक्रेसिक पॉलिसी बतानी है, और इसकी वॉर टाइम की पॉलिसीज, यानी कि जब भी जंगें वगैरह होती थी तो ये उस टाइम की जो उसकी पॉलिसीज होती थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती थी। सो दैट्स वाई भी पीपल जो थे वो इससे इन्फ्लुएंस हो जाया करते थे इसकी स्ट्रेटजीज से। So anyhow, let's study. Winston Churchill often comes to mind as one of the greatest leaders in history. He was a talented orator and publisher. बेटा orator बोलते हैं जो speech करता है, ठीक है, and publisher. But what made Churchill a phenomenal leader was his ability to mobilize and strengthening the will of his people through his words and the policies. Although his strategic actions were often criticized at times of the being impulsive, Churchill allowed his belief in democracy and his intolerance for fascism to dictate his wartime policies. It was not only his passion for the policies but also his ability to carry out his plans that made him a successful leader. Okay? So beta, this is very आई थिंक बड़ा ब्यूटीफुली उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। अच्छा बेटा, अगला जो है वो आपने लीडरशिप की अप्रोचेज हैं हमारा टॉपिक।
बेटा ये हैं आपकी लीडरशिप ट्रेंड्स या फिर लीडरशिप अप्रोचेस, ठीक है, और ये है कोई तकरीबन 1, 2, 3 हैं बेटा, ये 3 यस मिनिमम भी 3 हैं, नहीं 4, 5 हैं ये, ठीक है। एंड आई होप सो कि इसी लेक्चर में जो है ये आपकी कवर अप हो जाए। ये बहुत इजी है बेटा, ये जिसमें रीड करती चली जाऊंगी और जहाँ पे आपको लगा कि कॉन्सेप्ट मतलब बिल्कुल वैसे जैसे जहाँ पे कॉन्सेप्ट डिलीवर करना हुआ उसको मैं चलूँ। अच्छा जी, लीडरशिप अप्रोचेस हम पढ़ रहे हैं, मैं मेंशन भी कर दूँ ताकि आपको अप्रोचेस, बेटा अप्रोचेस तो ट्रेंड एक ही चीज़ें होती हैं, तो यू डू नॉट नीड टू बी मच वरीड अबाउट द टर्म। इन टूडेज कंपेटिटिव इन्वायरमेंट लीडर्स आर कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेज टू इम्प्रूविंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द आइडियाज ऑफ द लीडरशिप एंड द अप्रोचेज ऑफ द लीडरशिप। हियर आर थंबनेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द करंट लीडरशिप ट्रेंड्स और अप्रोचेज। बड़ा सबसे पहले है कोचिंग, कोच करना, जाहिर सी बात है एक लीडर एक कोच होता है, ठीक है। वो जो है वो कोई वो लोगों को लीड करने वाला होता है, लोगों को बताने वाला होता है, लोगों से पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। सो अ न्यू ट्रेंड इन द इफेक्टिव लीडरशिप कोचिंग हैज़ बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर थ्रू आउट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन्वॉल्व्स गाइडिंग एम्प्लॉयज इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि इसमें जो कोच करना है आपने, जो लीड करना है आपने, वो किस किस में लीड करना है कि आपने एम्प्लॉयज़ को उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गाइड करना है। व्हेन कोचिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज़ विद द आइडियाज़, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को आइडियाज़ देने हैं, फीडबैक देना है एंड कंसल्टेशन और उनको मशवरे देने हैं। बट डिसीजन विल अल्टीमेटली बी लेफ्ट ऑन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन लेगा कौन, ये एम्प्लॉयज़ ही लेंगे, ये लीडर नहीं लेगा। लीडर सिर्फ क्या कर सकता है, उनको ओपिनियंस दे सकता है, उनको कंसल्टेशन दे सकता है, इनके मशवरा दे सकता है, उनको अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, उनको बता सकता है कि दिस इज़ द सिचुएशन, तो आपको इस सिचुएशन में इस किस्म का डिसीजन लेना चाहिए। कोचिंग प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर द चैलेंजेस दे विल फेस। द लोअर एन एम्प्लॉयज़ स्किल एंड एक्सपीरियंस लेवल द मोर कोचिंग द वर्कर विल रिक्वायर, ठीक है। वो बात करें कि जितना कोई एम्प्लॉय कम एक्सपीरियंस्ड होगा, कम एजुकेटेड होगा, जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा कोच की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे फिर कोचिंग की ज़रूरत ज़्यादा है। द इंट्रैक्शंस दैट एन एम्प्लॉई हैज़ विद द मैनेजर आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दे हैव फॉर द इन्हेंसिंग देयर रिस्पेक्टिव स्किल्स। वो कहते हैं कि एक कोच जितना ज़्यादा अपने मैनेजर के ज़्यादा क्लोज होगा और मैनेजर से एक ज़्यादा लर्निंग रिलेशनशिप होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी स्किल्स में क्या होगा, इजाफा होगा, मैनेजर्स की स्किल में भी और खुद इवन एक लीडर की स्किल्स में भी। कोचिंग एनेबल्स द एम्प्लॉयज़ टू एक्सेल एट देयर टास्क। इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बेटा इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस होता है ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि स्ट्रॉन्ग हो, ऑथेंटिक हो, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट जिसमें वाकई में आपको लगे कि दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शुड रियली बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इफ मैनेजमेंट कन्वेज द बिलीव दैट एम्प्लॉयज विल एक्सीड एक्सपेक्टेशन, इट हेल्प्स देम टू डू सो। अ गुड कोच विल ड्रॉ आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ईच एम्प्लॉई एंड फोकस ऑन हाउ दोज स्ट्रेंथ्स कैन बी डायरेक्टेड मोस्ट इफेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज एंड द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बेटा इसमें वो बात करें कि एक कोच जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स को उभारता है, वो उनमें उजागर करता है उन स्ट्रेंथ को, और वो स्ट्रेंथ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको डायरेक्टेड भी किया जाता है और अफेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी वो बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। अ गुड कोच विल आल्सो फैसिलिटेट पर्सनल डिवेलपमेंट। वो ना सिर्फ काम के लिहाज से कोच करता है लीडर, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट भी करता है एम्प्लॉयज़ की एंड एन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस आल दो विच द एम्प्लॉई विल बी एबल टू प्ले एंड मोर इफेक्टिव रोल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। और जो काम करने का तरीका है उसको भी इम्प्रूव करके एम्प्लॉयज़ को इतना रिच कर देता है उनकी पर्सनैलिटीज़ में, उनकी लर्निंग में, उनके एक्सपीरियंस में, उनके डिसीजन मेकिंग में, कि वो आसानी से और बहुत अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाती हैं।
एन अफेक्टिव कोच आल्सो रियलाइजेज दैट ईच एम्प्लॉय इज़ यूनिक, यानी कि एक लीडर ये नहीं होता कि अगर कोई एम्प्लॉय उसको नाकाम नाकारा सा लग रहा है तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दे, नहीं, एक लीडर वो होता है जो कि हर अपने एम्प्लॉय के अंदर जो है वो उसकी किसी न किसी एबिलिटी को, किसी न किसी कैपेसिटी को जानता है और वो उसको यूनिक समझता है, जो बाकी लोगों में नहीं है उसको ये समझता है, विद द डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस, एंड दैट अ कोचिंग स्ट्रेटजी मस्ट रिफ्लेक्ट दिस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। बेटा इसको आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं, यानी कोचिंग कह लें या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कह लें, दिस इज़ द बेस्ट वन, ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल्स को वैल्यू करते हैं, आप उनकी उनकी स्ट्रेंथ्स को वैल्यू करते हैं, आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को वैल्यू करते हैं, आप उनकी एबिलिटीज़ को वैल्यू करते हैं, इवन कोई नकम्मा नाकारा भी है तो आप उसको भी कोई एमिनसा नहीं समझ लेते, आप जानते होते हैं कि यस इसमें भी कुछ ऐसा है जो इसको आगे लेके जा सकता है, जो इसको इम्प्रूव कर सकता है, जो ये आगे चल के अच्छा कर सकता है। जैसे बिल्कुल सितारे ज़मीन पर जो आमिर खान की मूवी है वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, वो कोचिंग अप्रोच है, जिसपे वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ, तो उनका नहीं इतना दिखाया गया क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक मूवी है तो मूवी का एक जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो कोई एक ही हो सकता है, सो दैट्स वाई उसने क्या किया, वो इतनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से उसने बींग अ कोच बींग अ लीडर उस स्टूडेंट को पिकअप किया, उसको लीड किया और उसको अल्टीमेटली जो है वो उसको इतना स्ट्रेंथन बना दिया उसकी अपनी ही कैपेबिलिटीज़ में कि ही एक्चुअली वोन द प्राइज। ठीक है बेटा, आगे है एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, कि अपने एम्प्लॉयज़ को आपने एम्पावर करना है, ये सेकेंड अप्रोच है लीडरशिप की। ठीक है, सो इसको आप एम्पावरमेंट अप्रोच भी कह सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कंपनीज बिकम इंक्रीजिंगली बॉर्डरलेस, यानी कि यहाँ पे उन कंपनीज़ की बात हो रही है जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो लार्जर स्केल कंपनीज़ है, जो मोर देन वन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस जो है वो परफॉर्म कर रही है। सो एम्प्लॉई एम्पावरमेंट बिकम्स एवर मोर इम्पॉर्टेंट, दिस ट्रेंड इन लीडरशिप हैज़ अलाउड एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ बिल्डिंग एम्प्लॉई सेल्फ एस्टीम एंड कैन आल्सो इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट आल्सो टाइज देम मोर क्लोजली टू द कंपनीज गोल्स एंड विल सर्व टू इंक्रीज देयर प्राइड इन देयर वर्क एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा समझ में आ गया, आप इसको एम्पावरमेंट अप्रोच भी कह सकते हैं और उसके अलावा सेल्फ एस्टीम अप्रोच का नेम भी जो है वो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तीनों नेम में से आप कोई भी नेम उसको दे सकते हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज़ करते हैं, आप उनकी डिसीजन मेकिंग को उनको पार्टिसिपेट कर, जब आप किसी इंसान को किसी एक चीज़ में पार्टिसिपेशन दे देते हैं तो इट मीन्स कि आप उसको वैल्यू कर रहे हैं। आपके अब्बा हैं, आपके बड़े भी भाई हैं बहने हैं, आपके अब्बा क्या करते हैं उन सब बड़े बहनों भाइयों से हट के जो है वो आपको बुलाते हैं और आपसे कहते हैं कि यार ये मसला है तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा भी लगेगा, आप खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी महसूस करेंगे और आपकी ये कोशिश भी होगी कि आप बेहतर से बेहतर ओपिनियन अपने अब्बा को दे सकें। ठीक है, सो बेटे इसी में डली ये एम्प्लॉयज़ के लिहाज से ये पॉइंट आता है कि उनकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज़ करना, उनकी डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना, उनको जो है वो कंपनी के गोल्स के ज़्यादा करीब ले जाना कि वो उनको आसानी से अचीव कर सकते हैं। बेटा आगे ग्लोबल लीडरशिप है, ग्लोबल लीडरशिप तो अपने नेम को खुद ही इंडिकेट कर रही है। अच्छा बेटा मैं तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो है वो काम बहुत ज़्यादा रह गया है पीछे करने वाला और नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कम हैं, सो दैट्स वाई भी जो है वो मैं चाह रही हूँ कि काम जो है वो अच्छे तरीके से, यानी कि आसान तरीके से आप बच्चों को मैं समझा दूं और ताकि हमारा काम भी जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हम चीज़ों को कर लें। अ कॉरपोरेशन बिकम इंक्रीजिंगली इंटरनल इन स्कोप, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंक्रीजिंगली रेट्स पे जो है वो इंटरनेशनल बन रही हैं, देर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर द ग्लोबल लीडर्स, तो ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो ग्लोबली लीड करते हैं। Although many of the qualities that make a successful domestic leader, बेटा domestic leader वो होता है जो सिर्फ एक कंट्री का होता है, लेकिन ग्लोबल लीडर वो होता है जो मोर देन वन कंट्री का होता है और ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होता है जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये उनको चाहिए होता है।
ठीक है. सो द डिफरेंस लाई इन द अबिलिटीज़. अब इन दोनों की अबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या है कि टू टेक ऑन अ ग्लोबल परस्पेक्टिव, कि आपने डोमेस्टिक लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप क्वालिटीज़ पे लेके जाना है. सो ग्लोबल लीडर आर ऑफन इंटरप्रिन्योरल, ये वर्ड मेरे से बोला जाता है बेटा. इंटरप्रिन्योर जो है वो बिज़नेस से निकला है, यानी कि एक जो ग्लोबल जो लीडर होता है वो हमेशा अपने बिज़नेस के लिहाज से सोचता है, बिज़नेस के बारे में सोचता है. दे विल हैव द एम्बिशन टू टेक देयर आइडियाज़ एंड द स्ट्रेटजीज अक्रॉस द बॉर्डर्स. दे विल आल्सो हैव टू डिवेलप द कल्चर एंड द अंडरस्टैंडिंग. ग्लोबल लीडर्स मस्ट बी सेंसिटिव टू द कल्चर्स ऑफ दूज वर्किंग अंडर देम. बेटा दूस का वर्ड यहाँ पे कंपनीज के लिए यूज़ हुआ है. नो मैटर वेयर दे आर बेस्ड, ग्लोबल लीडर्स मस्ट आल्सो बी एडॉप्टेबल. दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द कल्चर नॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इन विच दे आर ऑपरेटिंग. दे मस्ट नो वेन टू एडॉप्ट द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एडजस्ट देयर लीडरशिप स्टाइल्स इन ऑर्डर टू रिलेट दूस अराउंड देम. यानी कि बेटा अगर यहाँ तक मैं एक ग्लोबल लीडर की बात करूँ तो ग्लोबल लीडर वो है जो अपनी स्ट्रेटजीज को डोमेस्टिक लेवल पे नहीं रखता बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे रखता है. जो ये अबिलिटीज़ रखता है कि ना सिर्फ वो डोमेस्टिक लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके बल्कि वो इंटरनेशनल लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता है. क्योंकि जाहिर सी बात है एक कंपनी है और वो 5 कंट्रीज़ में है तो जाहिर सी बात है उसके एम्प्लॉयज़ भी तो उन 5 कंट्री से ही रिलेट करते होंगे ना. अब उन 5 कंट्री के एम्प्लॉयज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस करना अपनी स्ट्रेटजी से, अपने ओपिनियन से, अपने आइडियाज़ से, वो एक बहुत टफ टास्क होता है. सो दैट्स व्हाई ग्लोबल लीडर जो होता है उसने एक लेवल पे जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करना होता लोगों को, एक लेवल पे लीड नहीं करना होता, उसने 5 लेवल पे लीड करना है. सो डेफिनेटली उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यूज़, उसके आइडियाज़, उसका वे ऑफ लीडिंग और जो उसका लीडरशिप का स्टाइल होगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये उसको क्या करती हैं, उसको मज़बूत बनाती हैं. However, as adoptable as they must be, the global leader should not adopt his or her ethics or the value to suit local tastes. Global leader must also, ये इनके वो कहते हैं कि local tastes उसको suit नहीं करते, उसको हमेशा जो है वो adoptable होना चाहिए बड़े level के trends के लिए. So global leader must also serve a role model fighting corruption एंड नॉट गिविंग इन टू इट. यानी कि वो करप्शन को फाइट करता हुआ नज़र आता है और करप्शन को अपने बिजनेस का हिस्सा नहीं बनने देता. ठीक है. इक्विटेबल ट्रीटमेंट क्या होता है कि एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इन लीडरशिप इज़ द इक्विटेबल. बेटा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं इतनी तेज़ी से जा रही हूँ लेकिन आई होप सो. बेटा ये बहुत ईजी हैं, इनको खुद भी मैंने पहले रीड किया हुआ है, ये बहुत इजी हैं तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आते चले जाएंगे. अगर नहीं भी समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. दरअसल ये मेरा स्टाइल जो है ये मेरी नॉर्मल टीचिंग से हट के ज़रा अलग हो गया है. लेकिन उसकी रीज़न ये कि बेटा आज 31 अगस्त है और आज का लास्ट डेट है और मैंने आपको ये 3 लेक्चर्स अपलोड करने हैं और बाकी घर के काम भी है. सो आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे. अगर आपको कोई भी क्यूरीज हुई तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू. ठीक है. आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी. ठीक है. अच्छा जी. एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इन द लीडरशिप इज़ द इक्विटेबल ट्रीटमेंट. बेटा अब दी इक्विटेबल ट्रीटमेंट है कि आपने सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना है. सेम वही चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं. एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इन द लीडरशिप इज़ द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. दिस डज नॉट मीन दैट ईच एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड द सेम. इट मीन्स दैट द एवरी एम्प्लॉय विल बी गिवन द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन दे रिक्वायर. समझ में आ गया. यानी कि हर एम्प्लॉय को जो है वो डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट होगी अटेंशन की, तो आपने उसको वो देनी है, सबको एक जैसी अटेंशन नहीं देनी है. एंड इट विल इन्वॉल्व लीडरशिप नोइंग हिज और हर एम्प्लॉयज़. अ गुड लीडर विल गेट टू नो एम्प्लॉयज़ वेल इनफ टू गिव देम व्हाट दे नीड इन ऑर्डर टू बेस्ट परफॉर्म. यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपके एम्प्लॉयज़ को जो ज़रूरत है एक गुड लीडर उन्हें वही देता है. जैसे आपकी अम्मा अगर आपसे कहती हैं कि बेटा मुझे जो है वो नमक की ज़रूरत है, तो आप उन्हें नमक ही ला के देंगे तो ही वो अच्छा काम कर सकेगी. अगर आप उन्हें मिर्चें ला के या कुछ ऑयल फॉल दूसरी प्रोडक्ट्स ला के पकड़ा दें तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगे.
for some employees that may mean more structure, for others it may mean more freedom. ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनके लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े हैं, ये मोर स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि इनके ऐसे स्ट्रक्चर की जिसको आपको इंडिविजुअली हर बच्चे को जो देखना पड़ता है, जैसे नर्सरी और प्रेप क्लास की टीचर होती है ना, वो सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकती, उसे हर बच्चे को जो है वो उसकी क्वालिटीज़ उसकी एबिलिटीज़ के लिहाज से उसको लेके चलना पड़ता है. ठीक है, सो इसी तरह से और कुछ के लिए ये जो है ये फ्रीडम होता है. ठीक है, कि हर एक को जो है वो प्रेफरेंस मिल रही है, हर एक को उसकी रिक्वायर्ड अटेंशन मिल रही है, सो दैट कैन आल्सो बी अ गुड aspect for the leadership and the employees as well. Some employees may need to be monitored more carefully while others may work better independently. Leaders must know how to bring out the best employees and how to build solid relationships with them. The most effective way of doing this is by getting to know them individually. यानी कि इसका बेटा इसका overall जो लुब्बे लबाब मैं आपको बताऊँ ना वो ये है कि getting to know effective way getting to know your employees individually. ठीक है, जैसे आपके अम्मा अब्बा हैं, अगर आपकी 10 बहन भाई भी हैं तो आपके अम्मा अब्बा आपको इंडिविजुअली जानते होते हैं, उनको पता होता है कि इंडिविजुअली आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको किन गाइडलाइंस की ज़रूरत है, आपको किस तरह के बिहेवियर की और किस तरह के आपको मोनिटर करने की ज़रूरत है, और वो आपको उसी तरह से करते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल वो है जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती ना, सो आपको ये पांच उंगलियां बराबर ना होने की वजह से हर उंगली को उसके लिहाज से जो है वो ट्रीट करना पड़ता है. सो दिस इज़ कॉल्ड द इक्विटेबल ट्रीटमेंट. बेटा आगे है फीडबैक अप्रोच, दिस इज़ द लास्ट वन अप्रोच. सो एम्प्लॉयज थ्राइव ऑन द फीडबैक. जाहिर सी बात है फीडबैक की ज़रूरत जो है वो हर जगह पे हर लेवल पे होती है. जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता आप कभी भी जो है वो चलते नहीं जा सकते. ठीक उसी तरह से जैसे बेटा ये आपका पूरा सेमेस्टर रहा है और मैंने इस पूरे सेमेस्टर में बार बार आपके सीआर को कॉल्स करके मैंने पूछा है कि बेटा क्या परफॉर्मेंस जा रही है, आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की तरफ से कोई क्यूरियस हो, इवन दो कि मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते में मैं हाशिम को कॉल कर लेती थी कि बेटा आप मुझे अपडेट करें कि क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं. सो बेटा ये फीडबैक सिर्फ अगर मैं ऐसे ही चलती रहती और आपकी साइड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपकी बहुत ज़्यादा फ्यूरीज इकट्ठी हो जाती, आपको ना समझ आ रही होती चीज़ों की, तो वो तो कभी भी सारी मेहनत जो है वो बेकार की बेकार जाती मेरी. ठीक है, सो आपको साथ लेके चलना जो है वो मेरे लिए एक सक्सेसफुल फैक्टर प्रूफ हुआ है, एंड आई होप सो कि हुआ हो, वाकई में हुआ हो, क्योंकि इंडिविजुअली तो मेरा आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर लेते हैं उनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ. ठीक है, तो बेटा ये फीडबैक जो होता है ना ये हर लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चला जा सके. सो फीडबैक थ्राइव ऑन द एम्प्लॉयज थ्राइव ऑन द फीडबैक एंड बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली मैनेजर्स कैन गिव एम्प्लॉयज द टूल्स दे नीड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. समझ में आ गया, वेरी इजी. प्रोवाइडिंग फीडबैक विल नॉट ओनली डिपेंड डैम्ड अच्छा देखिए बेटा ये है डैम्पन का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जब तक फीडबैक नहीं देंगे उनको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली अपर अथॉरिटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और हम अपने काम में क्या गलतियां कर रहे हैं जिनको हमें ठीक करना चाहिए. सो फॉर डैम्पिंग द एम्प्लॉयज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डैम्पिंग का मतलब ये कि आप उन्हें पॉजिटिवली उन्हें जो है वो थंपिंग यानी कि एक थापा भी दे रही हैं और उनको उनके मिस्टेक्स भी बता रहे हैं. ठीक है, सो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट साथ साथ हैं लेकिन अच्छे तरीके से हैं. एम्प्लॉयज़ मोरेल इन मोस्ट केसेस बट विल अलो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन द परफॉर्मिंग देयर टास्क बेटर. सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट शुड बी यूज टू इनकरेज एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव बिहेवियर बट वेन क्रिटिसिज्म इज़ नेसेसरी मेक श्योर इट इज़ कंस्ट्रक्टिव. वही बात जो मैंने आपको बता दी कि अगर क्रिटिसिज्म भी आपको करना है तो उसको भी कंस्ट्रक्टिव वे में करना है, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं करना. ठीक है, मैनेजर्स कैन डू दिस बेस्ट बाय टेलिंग एम्प्लॉयज़ एग्जैक्टली व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड एंड हाउ बाय इंटरप्टेड इट. ठीक है, आप एग्जैक्टली उनको सही तरह से चीज़ों को बताएं. जैसे बेटा आप लोग हैं, आप लोग भी मिस्टेक करते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी मिस्टेक्स कोशिश करती हूँ कि मैं आपको डिस्ट्रक्टिव यानी कि इंसल्टिंग वे में ना बताऊँ कि आप बैठ ही जाएंगे, हाय हमसे गलती हो गई, आप पता नहीं क्या हो गया. एक कंस्ट्रक्टिव वे में गलती बताना कि उससे आपकी लर्निंग हो, आप अच्छे से अच्छा इनके अगर आपको पता चल गया कि यस मेरे से ये गलती हुई है तो आप उसको अच्छे तरीके से प्लान करके उसको ओवरकम कर सकते हो.
तो ये सारा होता है, ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। दिस आल्सो विल अलो एम्प्लॉयज़ टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजर्स सा इन देयर परफॉर्मेंस एंड डू एक्सप्लेन इफ देयर हैज़ बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। द 360 डिग्री असेसमेंट, बेटा ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अगेन आई डोंट नो कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो बेटा मैं ये आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देती चलूँ कि बेटा जैसे ये मैथमेटिक्स के लिहाज से है कि जैसे मैथमेटिक्स में आप ये लेटर ड्रॉ करते हैं तो ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। आप ये लेटर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप इसको भी ड्रॉ करते हैं और इसको भी ड्रॉ करते हैं तो ये भी टोटल 180 का बन गया। ये 90 का सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक है सिर्फ। जब आप इसको क्रॉस कर जाएंगे तो ये 180 90 प्लस 180 का हो जाएगा, और 180 प्लस किसका चला गया, ये 360 पे चला गया। सो बेटा 360 क्या है, इट्स अ सर्कुलर असेसमेंट जिसमें आपने अपने हर एम्प्लॉय को जो है वो कवर अप करना है, और कंस्ट्रक्टिव वे में जो है वो आपने 360 डिग्री असेसमेंट लेके चलनी है। बेसिकली 360 डिग्री असेसमेंट जो होती है वो एक बहुत टफ टास्क होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना, इसमें बेसिकली आपने करना क्या होता है कि आपने एम्प्लॉयज़ से अपने बाकी के एम्प्लॉयज़ की बारे में ही फीडबैक लेना होता है। जैसे आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल मैं अब्दुल्ला हैं, हाशिम हैं, एमन हैं, अनम है, फरीहा हैं, जिनके नेम्स मुझे याद आते जा रहे हैं, मैं बोलती चली जा रही हूँ, सुहेब है, सबीन है, चले ये कुछ चार सात लोग हैं। तो अब अगर मैं सबीन से कहूँ कि जी आप मुझे एमन के बारे में बताएं, एमन से कहूँ कि जी आप मुझे हाशिम के बारे में बताएं, हाशिम से कहूँ कि आप मुझे अब्दुल्ला के बारे में बताएं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये खुद पर्सनली आपके लेवल पे आपके लिए भी टफ होंगी कि यार हम कहीं ऐसी बात ना बता दें जो हमारे जो कुलीग्स हैं उनको हर्ट कर जाएं, हम कहीं ऐसी चीज़ें ना, हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जो ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम को अपसेट कर दे। सो दैट्स वाई पहले मुझे जो है वो आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा, आपको इस तरह से गाइडलाइंस देनी होंगी कि आप उस काम को कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकें और अच्छे तरीके से कर सकें, ना कि बजाय इसके कि आप लोगों के पर्सनली आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, वो तो फिर पूरे का पूरा सिस्टम ही ऑर्गेनाइजेशन का ख़राब हो गया ना। तो बेटा इसको बोलते हैं 360 डिग्री असेसमेंट। इसमें मैनेजर्स को पता चलता है कि हमारे जो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे काम को किस तरह से देखते हैं, और छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि हमारे मैनेजर्स हमारे परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं। तो मैनेजर्स का सबॉर्डिनेट, यानी कि सबॉर्डिनेट से आप असेसमेंट करवा रहे हैं मैनेजर्स की, और कुलीग्स से आप असेसमेंट करवा रहे हैं बाकी कुलीग्स की। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ टफ टास्क बट आल्सो अ वेरी कंस्ट्रक्टिव, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ले, बेटा ये सालों साल भी लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को 360 डिग्री असेसमेंट कंडक्ट करते हुए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मेंटली इस चीज़ के काबिल बनाना ये बहुत टफ होता है। इसके लिए आपको मीटिंग्स की ज़रूरत होती है, आपको सेमिनार्स कंडक्ट करवाने पड़ते हैं, आपको वर्कशॉप्स कंडक्ट करवानी पड़ती हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के माइंड को चेंज करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट।